रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस सीरीज तीन सीरीज पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीरीज 1, सीरीज 2 मैंने कंफर्म कर दिया है ना। सीरीज 1, सीरीज 2। सीरीज 1 में मैथमेटिक्स की बात करेंगे अपन, ओके, और सीरीज 2 में फिजिक्स की बात करेंगे, है ना। ये सीरीज आपका डेली अपडेट होगा, है ना, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी रीजंस के। ये सीरीज आपको डेली अपडेट हो जाएगा इवनिंग टाइम में, और इवनिंग टाइम में अपडेट होकर के आपको अपलोड हो जाएगा चैनल पर, ठीक है। तो हमारा मकसद होगा आपका जेई मेंस एडवांस और नीट। और अगर मैथमेटिक्स का अगर आप सीरीज देख रहे हो तो आप एनडीए को भी टारगेट कर लो। तो इसके ऑल अराउंड ओके हमारी सीरीज मूव करेगी। तो मैं अगर बात करता हूँ अभी, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 12th का पहले फिजिक्स स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जिससे 12th के स्टूडेंट उनको हेल्प हो जाएगा आपके एग्जाम में। और 12th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूँ, है ना। 12th की मैथ्स स्टार्ट करता हूँ। तो आने वाले 3 मंथ्स तक मैं 12th की फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आने वाले 3 मंथ्स तक मैं 12th की मैथ्स पूरा कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 3rd मंथ होगा उसमें मैं 11th की फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, एंड 11th की मैथ्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट 4th, 5th और 6th मंथ में, आफ्टर दिस, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहाँ पर 15 डेज का मैं ब्रेक देता हूँ, 15 डेज टेस्ट के लिए मैं रखता हूँ। तो ये जो आपका 3 मंथ्स हो गया, तो यहाँ पर अपन अप्रैल में 15 डेज में यहाँ पर एलोकेट कर देता हूँ टेस्ट के लिए, है ना। 15 डेज टेस्ट के लिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलेगा आपका, ठीक है। तो टेस्ट 15 टेस्ट, ओके, फिजिक्स का 15 टेस्ट, मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। वो डिस्कशन आपको यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और फिर यहाँ पर 11th का जैसे फिजिक्स मार्क्स खत्म होता है, तो फिर इनका मैं 15 टेस्ट अपलोड करूंगा, है ना। तो टोटल हो गए 30 टेस्ट। तो आपका 1 मंथ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो जो 7 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम तक मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट फॉलो कर देते, जितना मैं डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चंस लगाऊंगा, है ना, क्योंकि आपको पता है मेरी पहचान क्वेश्चन से ही होती है ना। तो जितने क्वेश्चंस मैं लगाऊंगा, अगर ये सारे आप कर लेते हो ना, तो आप मान के चलो किसी IIT में आप बैठे होंगे, या किसी टॉप के मेडिकल कॉलेज में आप बैठे होंगे, है ना। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना, ये आपको गारंटी देता हूँ। और अगर आप NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन मैथमेटिक्स के कारण नहीं रुकेगा, मैथमेटिक्स के कारण नहीं रुकेगा, है ना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज तो क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल से क्लास लेता हूँ। थैंक यू।